आपके अपने YouTube चैनल रॉक स्टडी क्लास दोस्तों आपका स्वागत है। जैसे कि दोस्तों आपको पता है आपका आज कक्षा 11वीं का अंग्रेजी विषय का वार्षिक परीक्षा का पेपर था। लगातार दोस्तों मैं आप लोगों को तैयारी करा रहा था, एक एक टॉपिक मैंने इंग्लिश के आपको बेहतरीन तरीके से बताया और मैंने अभी पेपर देखा, बहुत बेहतरीन तरीके से आपका पेपर आया है। ओके, आपके कितने नंबर आने वाले हैं कमेंट से जरूर बताइएगा। ओके, 11, 0, 14 वाला मेरे पास ये सेट है। ओके, सेट डी है, आपके पास हो सकता है और भी अलग सेट हो, सेट ए बी सी। ओके, तो मैं इसका सॉल्यूशन आपको बताने वाला हूँ, डू एज डायरेक्टेड और फिल इन द बैलेंस का तो मैं आपको समझाई दे रहा हूँ, बाकी मेरे पास इस प्रकार सेट है। ओके, पहले तो अनसीन पैसेज आपको पता है आया था। ओके, अनसीन पैसेज सिंपल था आपका। ओके, तो इसी से देखकर आप आंसर लगा सकते थे, सिंपल सिंपल थे। ओके, हर साइड वैसे अलग था इसलिए आया होगा। ओके, तो इसलिए मैं आपको बता नहीं रहा हूँ। फिर आपका मैंने इसकी ट्रिक आपको बताई दी थी, नोट्स और मेकिंग की, टाइटल की। ओके, तो फिर अगर उस ट्रिक से की होगी तो आपको फिर आप नंबर मिल जाएंगे इसमें। ओके, देख लेते हैं सेक्शन बी। तो देखिए मैंने आपको ये बताया था, आपको एडवर्टाइजमेंट आया है जिसमें क्या है, आपके आपका है मोहित जैन है और आपके पिताजी का ट्रांसफर हो गया अनादर सिटी में। ओके, या आप ही का ट्रांसफर हो गया अनादर सिटी, तो आपको क्या करना है, एक आपको क्या एडवर्टाइजमेंट बनाना है। ओके जी, आपको क्या बेचने के लिए अपना बेचना है, यू वांट टू सेल योर 3BKH फ्लैट। ओके, इसका मैंने आपको बताया था, एडवर्टाइजमेंट आ जाता है इसमें। मैं आपका ये मैंने आपको मॉडल पेपर भी बताया था, साथ ही आपको नोटिस वाली वीडियो बताया था, मॉडल पेपर भी बताया था, तो वही आपका आ जाता है। ओके, जिसमें आपको क्या करना था, जिसमें दोस्तों आपको क्या नोटिस तैयार करना था। ओके, क्योंकि आपके स्कूल में क्या है, एनुअल स्पोर्ट्स मीटिंग होनी है। ओके, प्रिंसिपल के द्वारा। नेक्स्ट हमारे आपके आ जाते हैं लेटर में। लेटर में दोस्तों यहाँ आपका जो मैंने आपको बताया था, आपको फ्रेंड को एक पत्र लिखना था जिसमें आपको उसे बधाई पत्र लिखना था कि उसने क्या है फाइनल एग्जाम में अच्छा प्रदर्शन किया है। ओके, सफलता प्राप्त की है उसके लिए, तो यही मैंने आपको बताया, तो ये आ जाता है। साथ ही दोनों आ जाते हैं, क्योंकि ये वाला भी मैंने आपको बताया था कि कंप्लेन हॉस्पिटल में क्या है, अपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अव्यवस्था फैली हुई है। ओके, उसके लिए मैंने आपको पत्र बताया, तो वो भी आपका आ जाता है। ओके, इसमें मैंने आपको क्या इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स का बताया था, तो ये आपका रखा हुआ है और पूरा बेहतरीन तरीके से समझाया भी था इस वाले को मैंने अपनी भाषा में। ओके, और ये आपका रहा। देख लेते फिल इन द ब्लैंक्स, तो फिल इन द ब्लैंक्स में हैव यू टोल्ड हिम ऑफ एक्सीडेंट है, एक्सीडेंट को किस प्रकार से लिखेंगे, एडी का आएगा तो एन आ जाएगा, एन एक्सीडेंट। ओके, नेक्स्ट एड्रेस यू हैव हैप्पी दिवाली। ओके, तो इसको हम क्या बिस कर रहे हैं, तो बिस के लिए मैंने बताया जब भी हम बिस करें तो मे का यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा थर्ड, आई हैव नॉट सीन हर सिंस सी द कॉलेज। ओके, इसमें आपका लेफ्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है वियर सम वार्म क्लॉथ, मतलब गर्म कपड़े पहनो, एल्स मतलब अन्यथा, अन्यथा यू विल कैच द कोल्ड, अगर नहीं करते हो तो मतलब अन्यथा हो जाएगी, ठंडी लग जाएगी इस प्रकार से। ओके, तो एल्स इसमें होना चाहिए। सी इज अफेयर्ड ऑफ डॉग, ऑफ हो जाएगा डॉग से। नेक्स्ट है यू कैन कम एंड सी मी एनी डे ऑफ द वीक, आपका रहेगा सॉल्यूशन। ओके, हम देख ले डू एज डायरेक्टेड, पहला हमारा ही डज नॉट हेट हर, इसे हमें क्या अफर्मेटिव बनाना है, लेकिन मीनिंग चेंज ना हो। जब भी मीनिंग चेंज लिख जाए तो हमें क्या जो वर्ब होता है उसका अपोजिट कर देना पड़ता है। ओके, हेट है, हेट का क्या होता है अपोजिट लव होता है। ओके, तो इसका हो जाएगा ही लव्स हर, ये आपका हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारा द टीचर टॉट अस इंग्लिश, वॉइस बनाना है तो वी आपका ये क्या है, आपका पास्ट इंडेफिनिट है। ओके, तो इसका आपका क्या बन जाएगा, वी वाज टॉट वाई द टीचर इंग्लिश। ओके, इंग्लिश वाई द टीचर, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। फिर आपको इसका नरेशन बना था, देखिए मैंने आपको बताया था रिलेटिव क्लॉज जरूर है, रिलेटिव क्लॉज से मैंने आपको अच्छी प्रैक्टिस कराई थी। देखिए आपका रिलेटिव क्लॉज रखा हुआ है, किस प्रकार से बनेगा, द लेडी हु इज वेयरिंग अ पिंक साड़ी इज द डॉक्टर, ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारा देखिए सो दैट का प्रयोग देखिए आ गया है, तो इसका सो दैट का प्रयोग करना था TW2 के स्थान पर, तो ही इज सो क्लियर दैट ही कैन नॉट वी कैंस्ड, ये आपका बन जाएगा। ओके, फिर इसका हमें क्या बनाना था, इसमें पूछा जा रहा था कि कौन सा क्लॉज है। ओके, तो ये इस प्रकार से था, बाकी आपको फिर ये आपको इसी में छाट के बताना था, बिल्कुल सिंपल, ये भी आपके दिए थे। ओके, तो कितने नंबर दोस्तों आपके कमेंट बॉक्स में आने वाले हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ओके, बाकी अन्य पेपर किस प्रकार से गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ओके, जल्दी फिर हम क्या है अब क्लास 12 से पहुंच जाएंगे, तो हम क्या है क्लास 12 की तैयारी बनेंगे। क्वेश्चन आंसर भी मैंने आपको बताया था, ये आपका दिया हुआ है, देखिए ये आपका दिया हुआ है, देखिए ये क्वेश्चन आंसर भी अपने आ चुके हैं। ओके, तो बेहतरीन तरीके से आपके गया होगा। देखिए मैंने आपको बताया था सेंटर आइडिया ये रखा हुआ है, द लैम्बोटॉप का सेंटर आइडिया। ओके, तो इस प्रकार से आपका गया है पेपर, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी। ओके, वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक करके चैनल से जुड़ गया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।